हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ माइंड्स। आज हम इस लेक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि ऑफेंसेस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट है, जिसे हम फॉर्जरी के नाम से भी जानते हैं, जो कि आईपीसी के सेक्शन 463 के अंडर दिया गया है। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कि क्या क्या इसेंशियल फीचर्स हैं फॉर्जरी के और क्या क्या पनिशमेंट आईपीसी के अंदर दी गई है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ऑफेंसेस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट होता क्या है। मान लीजिए मैं किसी दूसरे इंसान के प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता हूँ, हालांकि मेरे पास उससे रिलेटेड कोई रियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन मैं किसी भी माध्यम से, किसी मीडियम के थ्रू मैं उसके फेक डॉक्यूमेंट्स बनाता हूँ और उसकी प्रॉपर्टी को हड़प लेता हूँ। तो जो फेक डॉक्यूमेंट्स है वो इसी ऑफेंस के अंदर आते हैं, जो कि फॉर्जरी कहा जाता है अंडर आईपीसी सेक्शन 463 में। अब हम अगर बेयर एक्ट की रीडिंग करें तो बेयर एक्ट में ये प्रावधान दिया गया है, चलिए हम आपको पढ़ के बताते हैं। सेक्शन 463 ऑफ द आईपीसी स्टेट दैट हूएवर मेक्स एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट, जो इंसान कोई भी हो, मैं या तुम, कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखता है और उसका उद्देश्य ये है कि वो किसी सामने वाले व्यक्ति को, किसी भी इंसान को, किसी भी पब्लिक को डैमेज और इंजरी कॉज करना चाह रहा है, और टू सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल, और वो कोई टाइटल लेना चाहता है अपने सपोर्ट में, और टू कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विथ प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी लेना चाहता है, किसी के साथ एंटर करना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट में, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है या इम्प्लाइड हो सकता है, और विद इंटेंट टू कमिट फ्रॉड, और फ्रॉड करना चाहता है, और डेट फ्रॉड में भी कमिटेड, और वो फ्रॉड कर भी देता है, तो उसको अंडर सेक्शन आईपीसी सेक्शन 463 ऑफ द आईपीसी फॉर्जरी कहा जाता है। अगर हम इस डेफिनेशन को बेयर एक्ट में जो दी गई है इसको और अच्छे से पढ़ें और एक्सप्लेन करके बताना चाहिए इजी लैंग्वेज में, अ पर्सन व्हेन ही मेक्स एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट, अगर कोई पर्सन कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है और कोई फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखता है विद द क्रिमिनल इंटेंशन, किसी क्रिमिनल इंटेंशन की वजह से, टू कॉज इंजरी और डैमेज टू द अदर पर्सन और पब्लिक, किसी दूसरे पर्सन को, किसी दूसरी पब्लिक को इंजरी और डैमेज कॉज करने के लिए, कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विथ प्रॉपर्टी, किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को लेने के लिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो उसमें एंटर करना चाहता है, सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल, कोई भी टाइटल लेना चाहता है, क्लेम करना चाहता है, और किसी दूसरे पर्सन के साथ फ्रॉड कमिट करना चाहता है और वो उसको कर भी देता है, सो जो वो पर्सन होगा इज लाइबल फॉर फॉर्जरी अंडर सेक्शन 463 ऑफ आईपीसी, तो वो पर्सन लाइबल होगा फॉर्जरी के अंदर, विच इज सेक्शन 463 ऑफ द आईपीसी। चलिए अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए पर्सन ए है और बी है, तो जो ए पर्सन है वो बिना बी के अथॉरिटी के एक लेटर लिखता है और साइन करता है और वो जेड को भेज देता है। वो क्यों भेजता है? वो चाहता है बी के नाम से जेड के साथ एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट करे, और वो चाहता है कि वो उसके एम्प्लॉयमेंट अंडर जेड काम करे। तो जो ए है वो फॉर्जरी कमिट करता है, क्यों? क्योंकि फॉल्स डॉक्यूमेंट बना के बी के नाम से वो जेड को भेजता है, उसको डिसीव करता है, ठीक है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। तो ये फॉर्जरी हुई ए के थ्रू। चलिए अब हम आगे बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फॉर्जरी क्या क्या होते हैं। ए, द मेकिंग ऑफ अ फॉल्स डॉक्यूमेंट, सबसे बेसिक एसेंशियल है कि फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना, जो ए ने फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया बी को, बी के नाम से जेड को इंटेंड करने के लिए, डिसीव करने के लिए, तो पहला एसेंशियल ये है। बी, सच मेकिंग शुड बी विद डिसऑनेस्ट, जो हम फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जो हम फेक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, वो किसी सामने वाले को डिसऑनेस्ट फ्रॉडलेंट इंटेंट इंजरी कॉज करने के लिए होना चाहिए, किसी भी पर्सन को या पब्लिक को। सी, टू कॉज एनी पर्सन टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट,
जैसा कि हमने ऊपर एग्जांपल में देखा है, किसी भी दूसरे वर्सन को इंजरी कॉज करने के लिए, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। तो ये थर्ड एसेंशियल हुआ। एंड डी, टू कमिट फ्रॉड, इस फ्रॉड करने के लिए किसी दूसरे पर्सन के साथ, और वो फ्रॉड कमिट और आने वाले फ्यूचर में फ्रॉड करने के लिए। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं फॉर्जरी के। चलिए अब हम इसके पनिशमेंट की बात करते हैं। आईपीसी के अंडर सेक्शन 463 में क्या दिया हुआ है। पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ फॉर्जरी हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 465 ऑफ द आईपीसी। जो पनिशमेंट है इसका फॉर्जरी का, वो सेक्शन 465 ऑफ आईपीसी में दिया गया है। और इस सेक्शन में ये बताया गया कि हु एवर कमिट्स फॉर्जरी, जो भी इंसान फॉर्जरी कमिट करेगा, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट। तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा इम्प्रिजनमेंट का, ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म, उस टर्म के लिए, विच मे बी एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, जो कि बढ़ा के 2 साल भी हो सकता है, और विद द फाइन, और फाइन भी लगेगा, और या फिर दोनों भी, और विद बोथ इम्प्रिजनमेंट भी और फाइन भी। और ये ऑफेंस जो होगा नॉन कॉग्निजेबल होगा, बेलेबल होगा, ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड नॉन कंपाउंडेबल। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि ऑफेंसेस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स के बारे में था। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।